अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगेन कैसे हैं सब। आज एक और नए ब्लॉग के साथ वेलकम। और आज का ब्लॉग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों है अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि मैं क्यों इम्पॉर्टेंट कह रही हूँ। वेल, ऐसा है कि जो लोग जर्मनी में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, जितने भी मुसलमान, उन लोगों को पता है कि यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक न्यूज़ चल रही है कि यहाँ पर पहले भी कुछ मस्जिद जो थी यहाँ पर, उनमें इजाज़त थी अजान की, लेकिन अब स्पेसिफिकली एक और मेन सेंट्रल मॉस्क है यहाँ की, कलोन की, जिसमें इजाज़त दी गई है अजान की और हर जुमे को। एक बहुत ही अच्छी बात है, ज़ाहरी बात है। तो स्पेसिफिकली लोग इसको बल्कि दूर दूर से देखने आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट भी किया है, बट वेल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जर्मनी ने साथ दिया है इसमें मुसलमानों का, ऑफकोर्स। तो अभी खैर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। पिक्चर्स मैंने देखी थी, लेकिन दिल कर रहा था कि जाके जो है ना देखा जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये असल में इसकी बैक साइड है, फ्रंट साइड दूसरी तरफ है, लेकिन जो मेन एंट्रेंस है, एंटर होने का रास्ता है, वो यहाँ से है। आप लोग मौसम देखें और उसके साथ जो मस्जिद का नज़ारा है, क्या खूबसूरत है माशाल्लाह। चलें अंदर चलते हैं। तो बाहर से आप लोगों ने देखा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है। और अभी मैं अंदर आई हूँ, यहाँ पे जूते मैंने रखे हैं यहाँ पे अपने, और अंदर भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग, बच्चे वगैरह, ख़वातीन भी काफ़ी आई हुई हैं। तो वेल अंदर से देखते हैं, जहाँ पे नॉर्मली मस्जिद में जो नमाज़ वगैरह पढ़ी जाती है, जुम्मा जो होता है जहाँ पर, वो जगह देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी सारी जगह जो है वो जूते रखने के लिए बनाई है। और ये आई थिंक ऊपर जाने का रास्ता है, चलें देखते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था आप लोगों को कि काफ़ी कंट्रोवर्सीज थी इस मस्जिद को लेकर। 2006 से 2007-08 तक मस्जिद को बनाने में काफ़ी बहस हुई थी, और पब्लिक वोटिंग भी एक्चुअली की गई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 63% सिटी में जो रहने वाले शहरियों ने असल में मस्जिद के हक में वोट दिया था। और 2008 में फाइनली कलोन की जो सिटी काउंसिल ने मस्जिद की कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल दिया था। 2017 में मस्जिद की तामीर जो फाइनली कंप्लीट हुई थी, और मस्जिद का इफ्तिताह जो है वो भी तुर्किश प्रेसिडेंट जो हैं तैयब एर्दोगान, उन्होंने किया था। आप लोगों को मस्जिद के आर्किटेक्चर में एक टिपिकल तुर्किश जो स्टाइल है वो भी नज़र आ रहा होगा, जो नॉर्मली हम तुर्किश ड्रामा वगैरह जो देखते हैं उसमें नज़र आता है।
तो मस्जिद की तामीर में जो टोटल ख़र्चा आया था, एक अंदाज़े के मुताबिक वो तकरीबन 17 से 20 मिलियन डॉलर था। और इस मस्जिद में एट अ टाइम 2000 से 4000 के करीब जो नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। गाइस, मस्जिद के बाद यहाँ पे एक और इन्होंने मस्जिद के साथ बहुत ही खूबसूरत सा एक कुतुब खाना बनाया हुआ है। चेक करते हैं। ओह, यहाँ पे एक प्लान भी दिया हुआ है इन्होंने, पूरा मैप बनाया हुआ है सेंट्रल मस्जिद। ओके, तो गैस्ट्रोनॉमी बसा फोया थे सारे, वॉशरूम वगैरह कहाँ पर हैं, लिफ्ट कहाँ है, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और ये है जी कुतुब खाना।